इसके अंदर है एयर फिल्टर हमारी बाजूका के लिए, करीब करीब 2-4% फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप डाउन होगी, बट परफॉर्मेंस इज गोना इंक्रीज बाय लाइक एटलीस्ट 8-10%। एयर फिल्टर चेंज होने के बाद आवाज काफी इंप्रूव हो गई है ऐसा लग रहा है। तो कहते हैं ना, जो सुख में साथ होते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ रहते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तो ये मेरी फरिश्ता है, ये मेरे हमेशा दुख में साथ रही है, सुख में साथ रही है, बहुत अच्छी है। आई लव हर। सो भाई टायर की हालत देखो, ऐसा कह सकते हैं कि अरे खान गंजा हो गया पूरा टायर, तो चेंज करा लो। सनसेट का टाइम हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। यहाँ देखो भाई, दूर दूर तक पानी, इतना पीसफुल माहौल भाई। यहाँ खड़े रहो, एक टाइम था जब हम यहाँ आते बिताए करते थे, बैठे रहते थे अकेले। बाइक रहती थी उस टाइम, बेंटली थी, उसके पहले R15 थी। पुलिस वाले अंकल आते थे, फिर बोलते थे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो घर जाओ। फिर हम बोलते थे कि आरटी से सर खाना खाने निकले हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार फिर पुलिस वाले अंकल आए, बोलते बेटा तू फिर आ गया। मैंने बोला सर आज फिर से इवेंट में खाना नहीं मिला और घर पे खाना बना नहीं था, तो फिर आ गए। बोलते क्या करते हो, तो मैंने बताया आप जादूगर हो। फिर तो भाई आपने देखे ही वीडियोस में क्या होता है, फिर वो बोलते जादू दिखाओ, और फिर अगले उसमें माहौल सेट हो जाता है, मतलब फिर दोस्ती हो जाती है अंकलों से। तो अंकलों से ऐसी दोस्ती हो गई थी, बस वो ये बोलते थे कि बेटा ये एरिया रात के समय सेफ नहीं है, इसीलिए हम लोग घूमते हैं, और सच बात भी है। लेकिन मेरे को वो परेशान नहीं करते थे, बाकी लोगों को उठाके चलो भाई, अटिये पटिये जो होते हैं ना, मतलब थोड़ा वो पैंट ऊँची मुँह में गुटखा ऐसे वाले लोग, उनको चलो भाई घर जाओ, लेकिन अपन से कुछ नहीं कहते थे, दोस्ती हो गई थी अंकल से। खैर यहाँ की यादें बहुत है भाई, भोपाल की बहुत अच्छी और बहुत बुरी यादें हैं, लेकिन भोपाल हमारा बहुत अच्छा शहर है भाई, इतना सुकून कहीं नहीं है। अभी हम लोग पता है कितने किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और 15 किलोमीटर के हमें 20 मिनट लगे हैं। आप मुंबई में चले जाओ भाई साहब, 1.5 घंटे से कम ना लग रहा आपको। सो एक बार फिर आ गए हम लोग करण भैया के यहाँ। इसके अंदर है एयर फिल्टर, तो हम लोगों ने चूज किया इस बार BMC का एयर फिल्टर हमारी बाजूका के लिए। तो देखते हैं इस बार क्या रिस्पांस रहेगा। टेक्निकल चीजें आपको ऑब्वियसली हर बार की तरह करण भैया बताएंगे कि इसके क्या फायदे हैं, बाकी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो जैसे ही अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर से निकलती है एक कीरिंग BMC की। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी एक टी शर्ट, और यहाँ पे इसके अलावा है एयर फिल्टर, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डॉग टैग मिलता है BMC एयर फिल्टर का। और इस सब के अलावा आप लोगों को एक स्टिकर का सेट मिलता है, इसमें कुछ स्टिकर्स हैं आपके पास जो आप अपनी बाइक पे यूज कर सकते हो। मैं अपनी वॉल पे लगाता हूँ। तो ये है हमारी कंडीशन अभी एयर फिल्टर की, और पहली बार इतना साफ मिला करण भैया। हाँ, तो हमेशा उत्तराखंड की 5 जगह की मिट्टियां थी, कभी बरैया फंसी है, कभी पेड़ पत्ते पौधे, राइट। इस बार सही। तो अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, और दोबारा हम इसे यूज भी नहीं करने वाले, बिकॉज यू हैव द हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर राइट नाउ। थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग चल रही है, थ्रॉटल बॉडी और फिल्टर बॉक्स क्लीन करके, और फिर ये नया फिल्टर हम लगाने वाले हैं, एंड लेट्स सी हाउ द परफॉर्मेंस इज। यूजुअली जो स्टॉक एयर फिल्टर्स होते हैं वो हमारे 5,000-8,000 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट, वो उनकी ऑपरेशनल लाइफ होती है। दीज आर हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स, दिस इज BMC मेड इन इटली, जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स जो जीते हुए हैं। BMC ने अपने परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर MotoGP वगैरह तक के भी अवार्ड हैं। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दिस इज फॉर अ लाइफ टाइम, बिकॉज ये 1 लाख माइल्स चलता है। okay. इसको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है। 8,000-10,000 किलोमीटर पे इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से हम इसको क्लीन करते हैं। फ्यूल इकोनॉमी में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इसीलिए बिकॉज दिस इज अ फ्री फ्लो एयर फिल्टर, राइट, बट यस
इस इकोनॉमी में जितना फर्क पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा फर्क परफॉर्मेंस में पड़ेगा, बिकॉज यू गोना सी अ बिग चेंज इन द इनिशियल्स एंड इन द मिड रेंज एंड इवन ऑन द हायर रेंजेस. बहुत अच्छा फील होने वाला है, बहुत जबरदस्त पिकअप आता है और बाइक बहुत ही इजीली ब्रीथ करती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू ब्रीथ इजीली यू फील गुड. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. सो द बाइक इज गोना फील गुड विद दिस फिल्टर. अब ये साउंड पे भी कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हां, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो राइट के साउंड में कुछ परसेंट, हाँ थोड़ा कुछ परसेंटेज तक लाउडनेस आ जाती है फ्री फ्लो एयर फिल्टर की वजह से. राइट. और फ्यूल इकोनॉमी में भी यू कैन से करीब करीब 2-4% फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप डाउन होगी, बट परफॉर्मेंस इज गोना इंक्रीज बाय लाइक एटलीस्ट 8-10%. या इट इज वर्सेटाइल, बट या एटलीस्ट 8% तो पावर इंक्रीज 8% तो मिल ही जाएगा. वाओ, मतलब दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. यस यस. वाओ. फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है और भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, भाई हमें हमेशा मिल जाते हैं जब भी हम यहाँ आते हैं, अच्छा लगता है मिलके भाई से. एयर फिल्टर चेंज होने के बाद आवाज़ काफ़ी इंप्रूव हो गई है ऐसा लग रहा है. अभी हम लोग जा रहे हैं सागर भैया के साथ नए टायर्स लेने, तो कौन से टायर हम लोग डलवाने वाले हैं इस बार बाज़ूका में आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा. यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा जिसमें एवरीथिंग अबाउट CBR लिखा रहता है और वहाँ एक प्लेलिस्ट है मेरी जिसमें जब भी मैं कुछ बाइक में काम कराता हूँ या बाइक में जो जो चीज़ें अपग्रेड हुई है, जो भी काम हुआ है CBR से रिलेटेड, वो उस एवरीथिंग अबाउट CBR में आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए. काफ़ी लोगों ने बोला, इनफैक्ट करण भैया भी बोलते हैं कि भाई आपका यूजेज बहुत अच्छा है, बाइक को आप रफ तरीके से यूज़ नहीं करते, तो मेरे टायर्स भी हमेशा ज़्यादा चल जाते हैं. जैसे जो डनलॉप के टायर हैं वो यूजुअली लोगों ने बोला था जो इसके स्टॉक टायर्स थे वो 7,000 चलने का, लेकिन मैंने 13,000 चला लिए थे. उसके बाद मैंने लिए थे पिरेली टायर्स, तो वो अराउंड आप देख सकते हो 13,000 पे चेंज कराए थे, तो ऑलमोस्ट 17,000-18,000 चल चुके हैं. और जो अब हम टायर्स लेने वाले हैं उसके लाइफ स्पैन जो है 30,000 किलोमीटर्स कंपनी बोलती है, लेकिन चलो वो टेस्टेड कंडीशन में रहता है, तो चलो 30 नहीं तो 20, और चलो 20 भी नहीं तो 15 तो मिनिमम चलेंगे. और उसका रेट्स इतने नॉमिनल हैं कि इसका जो पेयर आता था वो आता था 40,000 रुपये का, और अब जो हमारा पेयर आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 25,000 का. प्लस दूसरा रीज़न ये है अभी इस नए टायर्स पे स्विच करने का कि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सजेस्ट किया था कि पहली बार इंडिया में 180 वाले टायर्स मिलने लग गए. नहीं तो आपको यूजुअली बाहर के ब्रांड्स खरीदना पड़ता था, अब बाहर के शिपमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आ नहीं रहे, ज़्यादातर टायर जो हैं वो पुराने रखे हुए हैं क्योंकि बाहर से टायर इम्पोर्ट होना हो गए बंद, तो बहुत ही कम जगह टायर्स अवेलेबल रहते हैं. आ गए हैं अरियंत व्हील्स और यहाँ से हम लोग करेक्ट करने वाले हैं हमारे टायर्स. तो नए टायर्स हम कौन से डालने वाले हैं बाज़ूका में, यानी कि CBR 650R में, जो आप अपनी सुपर बाइक में भी डाल सकते हो. तो फिलहाल अनबॉक्सिंग हो रही है टायर्स की और आप देख सकते हो ब्रांड न्यू टायर्स हैं यहाँ पे. क्या बात है, लुक एट दिस जॉइंट व्हील. 180 टायर साइज है बाज़ूका का, तो 180 55 R17 में मिल रहा है. फिलहाल मैंने ये टायर्स इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि कंपनी ने ये बताया है कि 20 से 30,000 के बीच में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी कि आपका 20 से 30,000 किलोमीटर आराम से चलेगा टायर, डिपेंड ऑन योर रोड कंडीशन. ये जो टायर्स हैं इसकी वारंटी है 5 साल की और 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी है. अनकंडीशनल वारंटी यानी कि अगर आपका टायर बस्ट भी हो जाएगा, वियर टियर होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो विदाउट एनी कंडीशन वो टायर को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया जाएगा. बाकी के जो टायर ब्रांड है वो इंडिया में इंपोर्ट कराए जाते थे, जिस वजह से कस्टम ड्यूटी के कारण रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते थे. इसके रेट्स अभी फिलहाल बहुत नॉमिनल है, तो एक बार ट्राई करते हैं बाज़ूका में. ये जो टायर है ये 0° स्टील रेडियल टायर है, ये इसकी ग्रिप्स हैं जो आप देख सकते हो, फ्रंट टायर है और ये रियर टायर है. जब हम कर्व्स लेंगे इससे तो आप बहुत नीचे तक के कर्व्स इजीली ले सकते हो, तो आप लोगों को राइड पे काफी चीजें समझ में आएगी. इसके बारे में अगर और जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो. इसकी वारंटी अभी हम लोग रजिस्टर करा लेते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड देना है और बाइक का नंबर देना है, इसके बाद वारंटी रजिस्टर हो जाएगी और कभी भी हमें कभी भगवान ना करे प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं. ये जो हमारे दोनों टायर्स आए हैं 22,000 के अंदर अंदर और अभी फिटिंग विटिंग करा के मतलब 22,000 अप्रोक्सीमेटली मान लो. चलो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं. थैंक यू सागर भैया. गिरोगे तो नहीं? आराम से चलना पड़ेगा भाई अपन को अब, क्योंकि भाई दो टायर्स पकड़ के बैठे हैं पीछे, तो अब ड्राइविंग वेविंग कर लो एक बार के लिए, लेकिन कटिंग शटिंग नहीं करना. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज भाई, टायर चेंज होने वाले फाइनली. बाज़ूका इज गेटिंग हर न्यू शूज़.
वो तो अच्छी बात है कि सागर भैया की छुट्टी थी आज, नहीं तो अपन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता भाई, दो टायर एमपी नगर से उठा के करण भाई के पास ले जा के फिट करना पड़ता। एक्चुअली क्या है, सुपर बाइक के कई इक्विपमेंट टायर कंपनी के पास अभी भी नहीं है भोपाल में, तो इस वजह से अपन को जाना पड़ेगा करण भाई के पास। वैसे अच्छा ही है, करण भाई से मुलाकात हो जाती है इसी बहाने। अभी कुछ दिन पहले एक नॉर्मल सिटी राइड थी, थैंक यू भाई थैंक यू, उस राइड में टायर का हल्का सा मुझे दिखा वायर, तो मैंने बोला भाई अब अर्जेंट बेसिस पे अपन को कुछ चाहिए। क्या है ना भाई, मैं उसको परेशान नहीं देख सकता, इसने मेरी परेशानियाँ देखी है, हमेशा सुख दुख में साथ रही है। तो कहते हैं ना, जो सुख में साथ होते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ रहते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तो ये मेरी फरिश्ता है, ये मेरे हमेशा दुख में साथ रही है, सुख में साथ रही है, बहुत अच्छी है, आई लव हर। आप देख सकते हो जो पुराना टायर था उसके स्ट्रिंग्स निकलने लग गई, मतलब कह सकते हैं कि तार निकलने लग गए। अगर भोपाली लैंग्वेज में बोले तो ऐसा कह सकते हैं कि अरे खान गंजा हो गया पूरा टायर, तुम्हारा चेंज करा लो। भाई टायर की हालत देखो, अंदर छेद देखना आप सिर्फ, ये 1 2 3 4 घुमाइए टायर, घुमाइए भैया 5 और घुमाइए, ये 6। और बाहर से स्थिति ये है टायर की कि बीच से पूरा फ्लैट हो चुका है, यहाँ से थोड़े थोड़े तार बाहर आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से पूरा तार बाहर आ चुका है, तो ख़त्म फिनिश, टाटा बाय गुड बाय हो गया इसका, और नए वाले टायर्स हमारे लग चुके हैं। तो बाइक चल चुकी है 31,708 किलोमीटर और टायर्स हो गए हैं चेंज। तो बाज़ूका में आगे और पीछे रेडस्टीन के सेंट्यूरो टायर्स हम लोगों ने डाल लिए हैं, अब देखते हैं ये कितने हज़ार किलोमीटर चलते हैं। लोगों का सारा काम हो गया है, बैटरी चेंज हो गई है, ब्रेक पैड्स चेंज हो गए हैं, एयर फिल्टर चेंज हो गया है, टायर चेंज हो गए हैं, मतलब सारा कंप्लीट काम हो चुका है। तो अब बाज़ूका रेडी है फिर से नई ट्रिप के लिए, अब कहाँ जाने वाले हो ये और बता दो। ये सरप्राइज है क्योंकि हमारे लिए भी सरप्राइज है, हमें भी प्लान नहीं रहता पता, कभी भी जो बोलता है भाई चलें, हाँ चलो ऐसा। बट मुझे लग रहा है अब नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है शायद। ओह माय गॉड, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अगर हो जाए तो अच्छा है, बिल्कुल काश हो जाए। यस यस यस, विश यू ऑल द लक यार, थैंक यू सो मच, सो थैंक यू सो मच करण भैया, मिलते हैं आप सभी से, सी यू सून, फिर से। और आप लोग भी ट्यून इन रहो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, और फॉलो से बोल रहा है।